नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं नाउ इंडिया। दरअसल यहाँ पर कुछ युवा एकत्रित हुए हैं। दरअसल ये युवा हैं यूपीएससी के छात्र हैं जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं और इनका जो प्रदर्शन है वो लगभग एक साल से चल रहा है। क्या मांग है आपकी? सर, मांग ये है कि 2020 में हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, यूपीएससी छात्र हूँ मैं, और कि 2022 आ गया है। अभी तक हमें एक वो कंपनसेटरी अटेम्प्ट नहीं मिला। हम लोग कोर्ट में भी गए, एग्जीक्यूटिव पे भी हमने रिक्वेस्ट किया और फाइनली अब हमें प्रोटेस्ट के थ्रू हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है ताकि सरकार हमें 2022 में एक बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बैठने का मौका दे। यही डिमांड है। अच्छा, लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं, बात तो सुनी नहीं जा रही। जी, बात नहीं सुनी जा रही है, पर हम लोग भी डिटरमाइंड है कि जब तक हमें अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, जब तक हमें ये कंपनसेटरी अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और हंगर स्ट्राइक पर अब आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। कितने दिन हो गए? अभी करीब 14 महीने हो गए हैं। मुझे याद है 30 सितंबर को जब हियरिंग में उन्होंने आश्वासन दिया था, तो उसके बाद से अब 14 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है। अच्छा, इस 14 महीने की लड़ाई में आपको कुछ उम्मीद लगती है कि ये मांग पूरी होगी? देखिए, उम्मीद से ही सारी चीज़ें कायम हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार को एक दिन ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी और जल्दी समझ में आने वाली है क्योंकि अब संसद में सेशन स्टार्ट होने वाला है तो वहाँ पर भी आवाज़ उठेगी। आज श्री अनिल सिंह चौधरी जी, अनिल चौधरी जी जो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच में जो है उन्होंने आए थे और उन्होंने ये कहा कि हम संसद में आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपके साथ वादा करते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आवाज़ उठेगी अब। अच्छा, सरकार की किसी नुमाइंदे से बात हुई? कोई आश्वासन मिला हो? काफ़ी, देखिए, आश्वासन सरकार ने जब दिया था 30 सितंबर को एग्ज़ाम से पहले, अब वो कोई आश्वासन नहीं दे रही है। अब वो अपने आश्वासन से बिगड़ रही है, अपनी बातों से पीछे हट रही है, तो उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट कम्युनिटी को छोटा मत समझिए। ये ऑल इंडिया, हाँ, हल्के में मत लीजिए, ये पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की आवाज़ है और जितना जल्दी हो सके आप इनको जस्टिस करें, नहीं तो फिर आपको भी नुकसान होगा। अच्छा, आपकी मांग पूरी नहीं हो रही, यूपीएससी जिम्मेदार है या सरकार को मानते हैं इसके लिए? देखिए, यूपीएससी भी जो है गवर्नमेंट के ही अंडर वर्क करती है ओवरऑल, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मगर मेरा ये मानना है कि जब यूपीएससी के जो रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट के अंदर जब कोई दलील देते हैं, जैसे मिस्टर एस वी राजू ने 30 सितंबर को दिया था, तो वो गवर्नमेंट का ही एक डिसीजन होता है कि उसमें क्या किया जा सकता है। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि हाँ, वी आर एक्सप्लोरिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा अटेम्प्ट टू दोज हु आर गेटिंग ईदर एज और अटेम्प्ट वाइज बार्ड। सो उनको कंसीडर करने के लिए इन्होंने बात कही थी। तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो सेंटिमेंट्स था, उन्होंने कहा कि हम इस सेंटिमेंट्स को कन्वे करेंगे कंसर्न अथॉरिटी को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक्सपेडिटियसली करना, थोड़ा जल्दी करना इसमें, तो वो चीज़ों को उससे ये रहा कि मतलब 4 दिन बाद एग्ज़ाम था, परीक्षा थी, तो स्टूडेंट्स को धोखे में रखा गया और बाद में उनको कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिला नहीं। तो 4,500 स्टूडेंट्स जो है ये विश्वास करके परीक्षा में नहीं बैठे कि गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी और अगली बार उनको इम्तहान में बैठने का मौका मिल रहा है, तो उन्होंने कोविड के चलते सभी गाइडलाइंस का, लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी परीक्षा नहीं दी। अच्छा, कोरोना काल में सारी चीज़ें प्रभावित हैं, आपको लगता है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग जायज है? देखिए, ये एक्स्ट्रा नहीं है, मैं इसको एक्स्ट्रा नहीं मानता बिल्कुल भी, ये कंपनसेटरी, ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं है। ये 2020 के जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने वाले थे उनके साथ आश्वासन उन्होंने दिया था 30 सितंबर की हियरिंग में। ये केस था गोवर्धना साई प्रकाश रेड्डी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें मिस्टर एस वी राजू ऑन द बिहाफ ऑफ यूपीएससी वो रिस्पोंडेंट थे और उन्होंने ये कहा था कि हाँ ठीक है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई इनको कंसीडर किया जा सकता है, तो हम इसको, इस आवाज़ को, जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की जो डिमांड है उसको जैसा कि सामने रखें, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अपनी अभी कहा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं है ये, हाँ। आप लोग अपनी मांग जायज मांग रहे हैं, ये कंपनसेटरी अटेम्प्ट है। मेरी बात सुनिए, पोस्टर में तो ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिखा हुआ है, तो ये आपको पोस्टर में नहीं लिखना चाहिए ये, नहीं, ये देखो अटेम्प्ट लिखना चाहिए, हाँ, अटेम्प्ट लिखना चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा होता है कि 6 के बाद 7 मांग रहे हैं हम, हमारा 6ठा अटेम्प्ट खराब हो गया, हमें वो 6ठा ही अटेम्प्ट एक बार दोबारा देने को चाहिए, ठीक है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ये कहा था कि देखो, ये हम एज एक्सटेंड करने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे कि 1 टाइम रिलैक्सेशन दे दो कोविड के रिस्पेक्ट में, जैसे अदर स्टेट ने भी दिया है, डिफरेंट स्टेट इस चीज़ को मान चुकी है कि हाँ कोविड में स्टूडेंट्स कम्युनिटी को नुकसान हुआ है, तो उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। हंगर स्ट्राइक के पोस्टर भी दिख रहे हैं क्या? हाँ, भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं? मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, नहीं बैठा हुआ हूँ,
और मेरे साथी लोग भी बैठे हुए हैं, 5-6 लोग, ये सभी भूख हड़ताल पर हैं और हाँ तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं मान ली जाएगी। आगे क्या तैयारी, परमिशन नहीं मिलती आगे आपको यहाँ? नहीं, परमिशन का देखो, परमिशन इस चीज़ के लिए डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि हम जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं। अभी हम जाने वाले हैं पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना में, ठीक है, हम वहाँ पर रिक्वेस्ट देंगे, कल फिर बैठेंगे आप। अच्छा, किसानों की मांग पूरी हुई है, वहाँ से मोटिवेट हुए क्योंकि आपकी संख्या बढ़ी हुई है? देखिए, किसानों को मैं कहता हूँ कि किसानों की जो जस्टिस की डिमांड थी उनके साथ कुछ हद तक तो हो गया, कुछ अभी बाकी है, तो इसी तरीके से हमारे साथ भी होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को ऑल इंडिया लेवल पर कंपनसेट करना चाहिए क्योंकि कोविड ने उनको बहुत तगड़ा चपेट में लिया है। फर्स्ट वेव थी, फिर सेकंड वेव थी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, यूपीएससी वाले एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, एसएससी जीडी 2018 वाले अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, ग्रुप डी वाले अपने एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। जी जी, कैसे देखते हैं युवा, आज परेशान सा है या? युवा बहुत परेशान है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। मतलब सरकार वादा करती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप दलील दे रहे हो और उनकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे। मिस्टर तुषार मेहता जो सुप्रीम कोर्ट में जो यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे, इस जो ये केस चल रहा था स्टार्टिंग में गोवर्धना साई प्रकाश रेड्डी, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ हम एडवर्जियल स्टैंड नहीं लेंगे इसमें और हम एक्टिव कंसिड्रेशन इस पर कर रहे हैं और आप प्रिपरेशन करते रहिए। फिर अमन लेखी सर जो कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे इसी केस में, उन्होंने भी ये कहा कि इट विल बी ड्यूली कंसिडर्ड एज एंड व्हेन द सीएससी 2021 रूल्स विल बी फ्रेम्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टूडेंट्स को कर रही थी, एक होप दे रही थी कि हाँ डेफिनेटली इस पर कंसिडर किया जा रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें जो सुनिश्चित करेगी जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो फाइनल इस डिमांड को कंसिडर किया जाएगा। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ करीब 9-10 मार्च के आसपास, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया कि ऐसी कोई डिमांड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी मैटर बता करके या फिर और उन्होंने इस तरीके से दलीलें दी। 29 तारीख से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा, वहाँ भी आवाज़ उठाने की तैयारी है? देखिए, हो गई है तैयारी। आज मैंने जैसे अभी आपको फर्स्ट पॉइंट मेरा यही था, माननीय दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी वो यहाँ पर विद्यमान थे अभी कुछ ही देर पहले और वो हमें आश्वस्त करके गए हैं कि अपोजिशन इस मुद्दे को उठाएगा, हम वो सभी स्टूडेंट्स के साथ हैं जिसको भी परेशानी हो रही है, तो डेफिनेटली संसद में ये मुद्दा उठेगा। अच्छा, आखिरी में ये सवाल कि आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं युवाओं को लेकर? मैं सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए आपको किसी भी चीज़ को सरकार का काम होता है कि पब्लिक की सुने, ठीक है, और पब्लिक की जो भी जायज़ डिमांड है उस पर अमल किया जाए, उसको धोखे में ना रखा जाए और स्टूडेंट्स के साथ तो बिल्कुल भी धोखा नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर गौर फरमाने चाहिए और ताकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को जस्टिस मिल सके, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे। एज भी जा चुकी है, मैंने जो 2020 का दिया था तो काफ़ी लेट हो चुके हैं। नहीं सर, अकॉर्डिंग टू ओबीसी कैटेगरी आई वॉज एबल टू गिव दैट पर्टिकुलर एग्जाम ऑन 2020 ऑन ओबीसी बिहाफ। इवन लकीली मेरा जो ओबीसी का वो था, मेरा सैटरडे को मेरा ओबीसी का कागज बना था, देन आफ्टर दैट मैंने फॉर्म भरा था अपना, संडे को फॉर्म भरा था। और अगर संडे को नहीं भरा जाता, इन द सेंस कि तहसीलदार साहब मेरा जो कागज़ था वो बनाते सोमवार को, तो सोमवार को एट द टाइम सोमवार को लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की और एवरीबडी नोज़ कि इस लास्ट डेट को वेबसाइट कितनी बिजी हो जाती है। तो लकीली तहसीलदार साहब ने थोड़ी रहमत दिखाई, मेरा कागज़ बनाया, उसके बिहाफ पे मैंने संडे को किया। कहना क्या चाहते हैं सरकार से? सर, मैं कुछ अलग नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो छात्र शक्ति है ये बिगड़ते हुए बहुत जल्दी बिगड़ सकती है और बिगड़ जाती है तो सबको पता है क्या धमका रहे हो आप सरकार? नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट तो बहुत हो गई सर। नहीं, ये रिक्वेस्ट नहीं, ये धमकी दिख नहीं सर, मैं आगाह कर रहा हूँ कि हम वो छोटी ईंट हैं, हम वो छोटी ईंट हैं कि जो आकाशवाणी भवन इतना ऊंचा भवन है उसको, उसके नीचे वाली छोटी ईंट, अगर वो ईंट खिसक गई ना, हमारी कोई औकात नहीं है सरकार के सामने। वो गिरा दोगे आप? नहीं सर, हिल तो सकती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ यूपीएससी के छात्र जिनसे हमने बातचीत की। इस बातचीत पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।